हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2019 के 4th मार्च के 3rd शिफ्ट का जीके का पेपर को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये आप सभी के लिए कंप्लीट रिवीजन टेस्ट जैसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे जानते हैं खुशी इस बात का है ना कि आप लोग जितने भी लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे मेरे टेस्ट को या मेरे टेस्ट जो भी वीडियोस देखते हैं मेरे स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक आप लोग कंटिन्यू में देखते हैं, इसके लिए पूरे अंदर के जो अंदर में जो दिल होता है ना उसके अंदर भी जो कुछ पार्ट होता होगा ना वहाँ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। समझ रहे हैं बात को कि खुशी इस बात का है कि पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी है ना वो सभी लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं कंटिन्यू रखते हैं अपने पढ़ाई को, सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है। ये बात आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है। और मुझे बहुत भरोसा है कि जितने भी लोग हैं, समझ रहे हैं, जितने लोग भी दे रहे हैं ना उनका सिलेक्शन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। चलिए इस टेस्ट के लिए आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कह दूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वो कौन सा ऐसा कंपनी है जिसने परचेज किया है, एक्वायर्ड किया है किसको, ऑनलाइन जो ट्रैवल पोर्टल है यात्रा ऑनलाइन को, इसको किस कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया है, कितने रुपीस में, तो 337.8 मिलियन US डॉलर में। ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो किस कंपनी ने एक्वायर्ड किया है, तो एबिक्स जो है ये कंपनी ने जो है ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल जो यात्रा ऑनलाइन था इसको एक्वायर्ड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस। ठीक है, दुनिया के इकलौते वो साइंटिस्ट है जिनको केमिस्ट्री के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक सैंगर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हालांकि इस बार भी पूछा था 4 मार्च को, तो आप देख ही रहे हैं, और प्रीवियस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिलने वाले पर्सन का नाम क्या है, तो फ्रेडरिक सैंगर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली वन इंडियन बैट्समैन हैज स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट अदर देन वीरेंद्र सहवाग, नेम दिस बैट्समैन। ओके, अगर हम लोग बात करें कि वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी 2 बार बनाया है और उनके अलावा इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाया है, उनका नाम क्या है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस करुण नायर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और जो फॉर्मर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम है DV सदानंद गौड़ा, ठीक है, वो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो संभाला है ये आपको बताना है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर कर्नाटक CM DV सदानंद गौड़ा इज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द करेंट सेंट्रल कैबिनेट, व्हाट इज हिज पोर्टफोलियो, इनका पोर्टफोलियो क्या है, वो कौन सा डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स। ओके, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन डज इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे, जहां पर इक्वल बराबर दिन होता है रात होता है, ये कहां पर होता है, तो ये होता है आपका डे ऑफ इक्विनॉक्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द डिलाइटफुल एंड एनसीडोटल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टाइटल अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स। ओके, तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स, और इस बुक के ऑथर कौन है, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रामाचंद्र गुहा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर। चलिए इसका 4 ऑप्शन है, अच्छे से ध्यान से इसको देखिए कि इनकरेक्ट फॉर्म में कौन है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरीके का सिक्वेंस दिया होगा लेकिन कौन इसमें गलत दिया हुआ है आपको। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर शाहजहां जहांगीर, ये आपका गलत है, बाकी अकबर उसके बाद जहांगीर शाहजहां ये सब करेक्ट है आपका, बाबर हुमायूं अकबर ये भी करेक्ट है, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भावी एंड कालबेलिया इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, दे आर जेनीज टू विच इंडियन स्टेट्स। आपको बताना है कि भावाई जो है और कालबेलिया जो है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट से है ये आपको बताना है।
भवाई एंड कलबेलिया, जो कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ये है आपका राजस्थान का। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन था इस बार के सीजीएल का। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा गया था क्वेश्चन, कि जो थर्ड खेलो यूथ इंडिया गेम था 2020 का, इसको कौन सा स्टेट ने होस्ट किया था। मैं आपको बता दूं, 18 शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन मिनिमम 5 बार तो पूछा ही पूछा गया था। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम को किसने होस्ट किया था, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कि गवर्नर ऑफ केरला कौन है। हु एमोंग द फॉलोइंग इज द करेंट गवर्नर ऑफ केरला। देखिए एज देखिए ये क्वेश्चन जनवरी 2020 तक का, यानी कि सीजीएल जो है वो जनवरी 2020 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो आपका दिया हुआ था ना जनवरी 2020, अगर ये क्वेश्चन फरवरी में सेट किया होता एसएससी ने तो फरवरी 2020 यहां लिखता। मैंने क्वेश्चंस को जब एनालिसिस किया ना, तो उस बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी 2020 तक का लिखने का पीछे का रीजनिंग क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है ना, कि मैं हर चीज़ में रीजनिंग लगा लेता हूँ, कि अगर फरवरी में क्वेश्चन सेट हुआ होता तो यहाँ पर फरवरी 2020 लिखा था, लेकिन उसने जनवरी 2020 देकर यह साबित कर दिया स्टेटमेंट से कि जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन सेट हुआ था, तभी ये बात लिखा गया। समझ रहे हैं बात को? तो आप देखिए कि जनवरी, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा, तो आप देखिए कि मार्च में, 3 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट था, और एक महीना का गैप लेकर, यानी फरवरी को छोड़कर, जनवरी 20 जनवरी तक के आसपास से जो है क्वेश्चंस वहीं तक सेट हुए हैं आपके। इसीलिए जब भी जो भी एग्जाम होगा, जैसे सीजीएल 2020 वाले पूछते हैं कि करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, चाहे स्टेनो वाले पूछते हैं, तो बस एक महीना छोड़कर उसके पहले 4-5 महीना 6 महीना का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जनवरी 2020 तक में केरला के जो है गवर्नर कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली रिवोक्ड आर्टिकल 370 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स। तो आर्टिकल 17 वाला, आर्टिकल 370 का तो मैटर आपको पता ही है, तो ये किस स्टेट से है, तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मल्टी स्टोरीड इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और कौन कौन सा था वो, जैन कोरल कोव था, H20 होली फेथ, अल्फा शेरीन एंड गोल्डन कायालोरम जो है वे आर रेज टू द ग्राउंड इन जनवरी 2020 फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन, इन विच स्टेट डिड दिस हैपन। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट करेंट अफेयर्स हालांकि पूछ दिया क्वेश्चन आपसे, तो ये कहाँ का है, केरला आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के जो थे मेजर जनरल कौन थे, कासिम सोलेमानी, जिनका यूएस मिलिट्री ने उनको मार दिया, तो ये आपको किस स्टेट से थे, ये क्वेश्चन आपको बताना है, कि ईरानियन मेजर जनरल कासिम सोलेमानी वाज रिसेंटली असैसिनेटेड बाय द यूएस मिलिट्री इन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इराक में वो मार गिराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द 2019 रिलीज्ड बुक द सेंट ऑफ गॉड। इस बुक के ऑथर कौन थे, द सेंट ऑफ गॉड के, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता आपका शायकत मजूमदार जो है आपका राइट आंसर हो जाता, कि नेम द ऑथर ऑफ द 2019 रिलीज बुक द सेंट ऑफ गॉड, शायकत मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नेम द 2 इंडियन एक्टर हु शेयर्ड द नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड मेल इन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019। तो कौन 2 एक्टर ने शेयर्ड किया था नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड का, और यहाँ पर आयुष्मान खुराना और विकी कौशल आपका करेक्ट आंसर हो जाता, कि नेम द टू इंडियन एक्टर हु शेयर्ड द नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2019, आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेनन इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 2 or more कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द लाइट सोर्सेज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जीमन इफेक्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन में कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका रीजन। यहां करेक्ट आंसर है मैत्री आपका सही है, मैत्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज 2019 पद्म विभूषण विनर तेजन भाई हेल। ये जो तेजन भाई हैं, ये किस स्टेट से हैं, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है,
और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज 2019 पद्म विभूषण विनर तेजन बाई, तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइंसेस इन बंगाल। फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइंसेस इन बंगाल कौन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेरिकन साइंटिस्ट इडविन हुबल नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दिस थ्योरी। जो अमेरिकन साइंटिस्ट है इडविन हुबल, वो किस थ्योरी से एसोसिएटेड है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी से वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि टोटल कितने मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल कितने मेंबर हैं? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना ड्राइवन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर्स अ रोजी और ऑरेंज ह्यू अराउंड सनराइज एंड सनसेट। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री एल्फिन ग्लो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सा वो एनर्जी कन्वर्जन है दैट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में जो होता है, और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। जब सती प्रथा जो है इलीगल था, पनिशेबल था, उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो सिटी है विजयवाड़ा वो किस नदी के किनारे है? द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या परफॉर्मेंस है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सीजीएल में कैसे पूछा जा रहा था, समझ रहे हैं ना। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते हैं आप। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।